बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज था वीकेंड का बार का सैटरडे एपिसोड, यानी कि सलमान खान का फुल ऑन गुस्सा, घरवालों के साथ कुछ मजेदार टास्क, तो वही घर में हुई दीपिका पादुकोण और टीम छपाक के बाकी लोगों की एंट्री, जहां पर सलमान खान शहनाज गिल पर बेहद गुस्सा दिखे, तो वही और भी बहुत सी ऐसी चीजें रही जो की आपकी आंखों में आंसू ले आए। तो कुल मिलाकर आज का एपिसोड कई मायनों में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग ड्रामे से भरा रहा। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। वीकेंड का वार पर घर में एंट्री होती है लक्ष्मी अग्रवाल की, जो कि बाकी घर वालों से मुलाकात करती है और साथ ही टीम छपाक से दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी की, जो कि सीधा घर के अंदर एंटर होते हैं और घर वालों के साथ खूब मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं और कुछ मजेदार टास्क करते हैं, जहां पर वो उन घर वालों को दो टीम्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें कुछ सिचुएशन देते हुए नजर आते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज को कहते हैं कि आप दोनों मधुरिमा और माहिरा की लिप्स के फाइट को रिक्रिएट करेंगे। यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ लिप्स को लेकर लड़ाई करते हुए नजर आते हैं और बाकी घर वाले से काफी एंटरटेन होते हैं। पारस और माहिरा को रिक्रिएट करते हुए नजर आते हैं शहनाज और विशाल आदित्य सिंह। विशाल और आरती मिलकर सिद्धार्थ और रश्मि की फाइट को रिक्रिएट करते हुए नजर आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर घर वाले एक एक करके सभी के सिचुएशन, लड़ाई झगड़ों को रिक्रिएट करते हैं और खूब एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर टीम बी विन करती है, जो कि होते हैं विशाल, शहनाज, मधुरिमा, शेफाली जरीवाला और आरती सिंह, और वो जाते हैं दीपिका पादुकोण के साथ एक जीप राइड पर, जहाँ पर वो खूब एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा घर में ये बाकी घर वाले अपनी जिंदगी से जुड़े वो किस्से शेयर करते हुए नजर आते हैं, जो कि अनछुए हैं, जिसे उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। आरती ने बताया जब उनकी उम्र 13 साल थी तब उनको घर में बंद करके उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई। तो वही मधुरिमा ने भी बताया कि बचपन में उनके साथ ही मोलेस्टेशन हुआ था। रश्मि ने बताया कि उनके घर वाले उन्हें ताने देते थे कि घर में बेटी पैदा हुई है। ऐसे करके सभी घर वालों ने अपनी जिंदगी से जुड़े वो किस्से बताए, जो कि बहुत ही ज्यादा टची रहे। इसके बाद घर में सलमान खान घर वालों से रूबरू होते हैं और घर वालों से मुलाकात करते हैं, जहां पर वो उन्हें डांटते फटकारते हुए नजर आते हैं। सलमान खान आसिम रियाज को डांटते हुए नजर आते हैं कि तुम यहां पर सिर्फ जिम ही करते हो, एंटरटेन तो क्या करो, क्योंकि लड़ाई झगड़े करने से ही तुम दिखते नहीं हो, इस हफ्ते तुम दिखे तक नहीं हो, यह गलत बात है। सिद्धार्थ शुक्ला को ही देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी सबको एंटरटेन कर रहा है। इसके अलावा आसिम रियाज के लिए कॉलर ऑफ द वीक का कॉल भी आता है, जो उनसे पूछते हैं कि जब आप सिद्धार्थ से लड़ते झगड़ते थे तब तो आप तो दिखते थे, लेकिन इस हफ्ते आप दिखे ही नहीं। तो आसिम ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से ही बिहेव करूं, लेकिन मुझे लगता था कि जब मैं सिद्धार्थ के साथ था तब भी नहीं लड़ता था, तब भी मैं दिखता था, लेकिन अब अगर मैं नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं। इस पर सलमान खान उन्हें अप्रिशिएट भी करते हुए नजर आते हैं, दैट यू आर गोइंग ऑन आवर राइट पाथ। इसके अलावा सलमान खान घर वालों को कुछ वायरल वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, जैसे कि मधुरिमा को विशाल को चप्पल मार देना, माहिरा का पारस को थप्पड़ मारना, शहनाज का सिद्धार्थ को थप्पड़ मारना और सिद्धार्थ का शहनाज को जमीन पर गिराकर उनके हाथों को ट्विस्ट कर देना। यहाँ पर सलमान खान सभी को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं और साथ ही सिद्धार्थ और शहनाज से कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि बाहर ये सब चीजें गलत दिखती है, अगेंस्ट में जाती है, अंदर क्या हो रहा है ये तो हमें पता है। विशाल और मधुरिमा से कहते हुए नजर आते हैं कि आप दोनों का पर्सनल मामला है, इसमें ना तो मेकर्स और ना ही बिग बॉस को आप घसीटें। इस पर विशाल कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मधु नहीं आएगी, फिर भी आप इसे लेकर आए। तो वही माहिरा और पारस को कहते हुए नजर आते हैं कि आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा है दैट्स नॉट गुड, क्योंकि बाहर ये चीजें अलग दिखाई देती है, गलत दिखाई देती है, तो जहाँ तक हो सके आप दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखें, थप्पड़ वगैरह करना या फिर फिजिकल फाइट्स करना दैट्स नॉट गुड। इसके बाद सलमान खान माहिरा और शहनाज के बीच में एक ब्लैक हार्ट टास्क करवाते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि इन दोनों में से कौन किससे ज्यादा जेलिस है। यहाँ पर शहनाज को ज्यादा वोट मिलते हैं, वो ज्यादा दुखी हो जाती है और रोना धोना शुरू कर देती है। सलमान इससे गुस्सा हो जाते हैं और शहनाज को खूब डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि ये ड्रामे किसी और के सामने करना, रोना धोना मारपीट करना मुझे मत दिखाना, मैं तुमसे रेस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ तो तुम भी मुझसे इज्जत से ही बात करो। शहनाज कहती है कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे तो बस जाना ही है। सलमान कहते हैं कि बिग बॉस दरवाजा खोलो से जाने दो और सलमान ये कहकर निकल जाते हैं। शहनाज जाकर बैठ जाती है बाहर दरवाजे पर और रोना धोना शुरू कर देती है। सिद्धार्थ से वो कहते हुए नजर आते हैं कि सिद्धार्थ तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बच्ची तुमसे प्यार में पड़ गई है। इस पर सिद्धार्थ कहते हुए नजर आते हैं सर बच्ची वो समझ जाएगी, मान जाएगी, मैं उसे समझाता हूँ ना। सलमान कहते हैं कि बच्ची कब तक रहेगी, उसको बाहर आके काम धाम करना है कि नहीं करना, खुद को कटरीना बोलती है, तुम मुझे बताओ ऐसा बिहेव करती है क्या कटरीना। और इस पर सलमान खान उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आते हैं और सिद्धार्थ इस दौरान बार बार में पीछे मुड़ के देखते हैं कि शहनाज है कि नहीं है, और सलमान कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है उसे मनाने की। और यहाँ पर बिना शहनाज के ही शूट कंटिन्यू होता है। तो वहीं बाहर बैठी शहनाज गिल रोती हुई नजर आती है और बार बार कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे तो बस अब घर ही जाना है। तो वहीं बाकी घर वाले वापस शहनाज के पास जाते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहनाज किसी की बात सुनने को रेडी नहीं होती है और लगातार रोती हुई नजर आती है।
तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में वीकेंड का वार के सैटरडे एपिसोड की हाइलाइट्स। और इस तरह से इस टेढ़े सीजन के हर एपिसोड की हाइलाइट्स और सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।